आप लोग भी यहाँ आते हैं, देखो कितनी तैयारी रहती, कितनी आप लोगों को इस दिन की इंतज़ार होता है कि भाई 30-31 आएगा और हमारे को जो है नए साल का प्रोग्राम दिया जाएगा। और उसके लिए आप लोग सभी भाई महात्मा प्रेमी गण सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं, और कितनी बड़ी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कर्म करना पड़ता है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो ये आपको इतना बड़ा विशाल पंडाल देखने को नहीं मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो इतने हजारों हजारों जो है प्रेमी भक्तों को भंडारा नहीं मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो इतने इतने जो आपको शौचालय का निर्माण है वो देखने को नहीं मिलेगा सारा आपके लिए। कितने लोगों की गाड़ियां आपको आने ले जाने सबके लिए लगी हुई हैं, समय पे नाश्ता, समय पे खाना, सब कुछ आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये सब जब मिल के हम लोग कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तब हमको इस चीज़ की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जीव सोचे कि अगर हम कर्म ही ना करें, हर प्रेमी ये सोचे, भाई महात्मा ये सोचे कि अब हम तो बैठ जाएं और अपने आप जो है गुरु महाराज जी कृपा कर देंगे और जो है सारा काम हो जाएगा, तो ये संभव नहीं। इसके लिए हमें कर्म की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जितना जो आदमी कर्म करता है उसकी के अनुसार उसको जो है फल की भी प्राप्ति होती है। आप सब लोग इतना जब कर्म करते हैं तो इतनी हजारों की संख्या के जो है सारी पूर्ति यहाँ पे जो हो रही है, और कर्म करते भी रहना चाहिए। निरंतर हम कर्म करेंगे तो हमारा अभ्यास भी जो है होता रहता है, अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा अभ्यास भी छूट जाता है। जैसे कि एक बार जो है इंद्रदेव को अपने ऊपर बड़ा अभिमान अहंकार आ गया कि जो है देखो मैं वर्षा करता हूँ और वर्षा के कारण देखो धरती में जो है सारे अनाज पैदा होते हैं, और अगर मैं वर्षा ही नहीं करूँ तो ना अनाज पैदा होगा, ना फल फूल मिलेंगे, और सारी जो है धरती में त्राहिमाम हो जाएगी। और जब है फिर जो है लोग जो है मुझे फिर और मेरी पूजा करेंगे, तो इंद्रदेव ने कहा मैं वर्षा ही नहीं करता हूँ। कुछ वर्ष हो गए इंद्रदेव ने वर्षा ही नहीं करी, तब उन्होंने एक दिन मन में विचार आया कि कई वर्ष हो गए मैंने तो वर्षा ही नहीं करी, चलो मैं जाता हूँ पृथ्वीलोक में जाता हूँ और देखता हूँ कि पृथ्वीलोक में हो क्या रहा है। तो जब इंद्रदेव जो है पृथ्वीलोक में आते हैं और जब विचरण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो है धरती बिल्कुल बंजर हो गई है, दरारें उसमें पड़ गई हैं, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो धरती पे आप देखेंगे कि दरारें पड़ जाती हैं, और सारे किसानों ने जो है हल चलाना सब ने छोड़ दिया क्योंकि वर्षा नहीं है, तो हल भी नहीं चलाया उन्होंने कि क्या सूखे में हल भी कैसे चले, प्राचीन समय की बात है, आजकल का ट्रैक्टर का जमाना नहीं है कि ट्रैक्टर तो चलो सूखी जमीन में भी चल जाएगा लेकिन हल तो सूखी जमीन में भी नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने क्या जब विचरण कर ही रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक जो किसान था वो अपने बैलों को लेके उसके साथ बड़ी मेहनत करके सूखी बंजर भूमि में भी मेहनत कर रहा था, प्रयास कर रहा था और उसमें हल चला रहा था। इंद्रदेव को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सूखी भूमि पड़ी फिर भी ये किसान जो है हल चला रहा है। इंद्रदेव उस व्यक्ति के किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई इतने वर्षों से तो बारिश नहीं हुई और तुम्हारा सारा खेत बंजर हो गया है, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल खेत सूख चुका है लेकिन फिर भी तुम इसमें हल क्यों चला रहे हो। तो किसान बड़ी मासूमियत से कहता है कि देखो भाई इंद्रदेव का काम है वर्षा करना और मैं हूँ किसान और मेरा काम है उस खेत को जोतना। इंद्रदेव तो अपना कर्म करना भूल गए हैं, वर्षा करना भूल गए हैं, लेकिन मैं किसान अपना कर्म करना नहीं भूला, और चाहे इंद्रदेव वर्षा करे ना करे लेकिन मैं अपना नित्य हल चला लेता हूँ कि जिससे जब भी कभी बारिश होगी और अगर मैं हल चलाऊँगा नहीं तो मैं भूल जाऊँगा कि हल कैसे चलाया जाता है, तो फिर मैं हल कैसे चलाऊँगा।
इसलिए मैं नित्य अपना कर्म जरूर करता हूँ, जो मुझे हल चलाना होता मैं जरूर हल चलाता हूँ। तो जब इंद्रदेव ने किसान की बात सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुए और बड़ा उनको ग्लानि भी हुई कि देखो एक किसान, इसकी भावना कितनी उच्च है कि कह रहा है कि मुझे अपने कर्म को नहीं भूलना, अपना कर्म जो है मैंने निरंतर करते रहना है, और मैं एक इंद्रदेव होने के बावजूद मेरी भावना कितनी निकृष्ट थी कि मैंने कहा कि नहीं मैं वर्षा ही नहीं करूँगा, और जब वर्षा नहीं होगी तो सारी जनता त्राहिमाम करेगी और फिर मुझको और पूजेगी, मेरी और पूजा आराधना करेगी, मेरी और प्रार्थना मेरे लिए करेगी। तो देखो मेरी भावना कितनी निकृष्ट थी। तब जो है इंद्रदेव को बड़ी ग्लानि होती है और फिर वो अपनी वर्षा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जिससे कि लोगों को फिर से खेती हो, फिर से फल फूल लगे। तो ये जो छोटे दृष्टांत हैं, आपको जो कथा बताई जाती हैं, वो इसीलिए बताई जाती हैं कि उन कथाओं से हम लोग शिक्षा प्रदान करें, इन कथाओं को सुन के, इन कथाओं को पढ़ के व्यक्ति जो है जागृत होता है, उसके अंदर भी एक जागृति आती है, उसको भी एक समझ आती है और व्यक्ति उन कार्यों को करता है। इसीलिए जो है बाई महात्मा आप लोगों को भी बार बार जागृत कराते रहते हैं। व्यक्ति सो जाता है, व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, व्यक्ति आलस्य को प्राप्त कर जाता है। जिस प्रकार से आप एक टॉर्च को जब जलाते हैं तो टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। आजकल तो चार्जेबल बैटरी टॉर्चेज होती हैं, फिर आप टॉर्च को उसमें स्विच में लगाते हैं, आपके टॉर्च फिर से जो है चलने लगते हैं। पहले बैटरीज होती थी, बैटरीज को जो है नई बैटरीज लगा दी जाती थी, फिर टॉर्च या जिसमें भी बैटरीज लगती हैं वो फिर चलने लग जाता था। तो ठीक इसी तरह से समाज में रहते रहते हमारी जो भी बैटरी जो है वो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है। लेकिन भाई महात्मा इसीलिए आपको बार बार आह्वान करते हैं, इसीलिए बार बार आपको चेताया जाता है कि चलो गुरु महाराज जी का प्रोग्राम है, गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, गुरु महाराज जी के आशीर्वचन सुनेंगे, तो हमारी जो बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है वो बैटरी भी फिर से चार्ज होने लगेगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी के सत्संग आयोजन होते हैं वहाँ वहाँ आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि वहाँ आके गुरु महाराज जी के दर्शन करके, गुरु महाराज जी के सत्संग का श्रवण करके, गुरु महाराज जी की सेवा करके हमारे अंदर फिर से एक नई स्फूर्ति, हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर फिर से हमें आ जाती है।